चलिए और इसी बीच बात मौसम की भी कर लेंगे, जहां मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर जारी है। ऐसे में बाढ़ से निपटने के लिए सीएम मोहन यादव ने भोपाल में राजस्व विभाग के अधिकारियों की बैठक ली। सीएम यादव ने अतिवर्षा से प्रभावित जिलों के कलेक्टर्स को मौजूदा परिस्थितियों के अनुरूप राहत शिविर लगाने और प्रभावित लोगों को भोजन समेत जरूरी सामग्री देने के निर्देश दिए। वहीं नर्मदा और बेतवा समेत कई नदियों के बढ़ते जल स्तर को लेकर सभी जिलों के प्रशासन को अलर्ट किया। बाढ़ नियंत्रण के केंद्र पे आया हूँ और अभी मैंने समीक्षा की। मुझे ध्यान में आया कि बीते दिन 5 घटनाएं हुई थी। इतना बड़ा प्रदेश है, लेकिन हमने कहा कि ये घटनाओं में हमारी सतर्कता रहे, सजगता रहे और एक भी घटना न होने पाए। खास करके आप सबसे भी आपके माध्यम से प्रदेश की जनता से अपील करना चाहूँगा कि अगर पुल के ऊपर पानी बह रहा हो तो कम से कम उसको अवॉइड करें, ना जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि इसमें छोटे छोटे पुल पुलिया बहुत सारे हैं। प्रशासन कोशिश करता है कि कोई ना जाए, लेकिन उसके बाद भी अगर आप जा रहे हो तो आपकी जान खतरे में, आपको बचना चाहिए। कुछ डैम के गेट खुलने वाले हैं कल, जैसे बरगी के 7 गेट खुलेंगे, इसी प्रकार से और भी अलग अलग नदियों के गेट खुलने वाले हैं। जिला कलेक्टर से अपने यहाँ अलर्ट रखते हुए सबको प्रॉपर सूचना करें नीचे के स्तर पे, किसी को कष्ट नहीं हो जाए।